महीना है और इस महीने में देश भर में शिव भक्तों की भीड़ अलग अलग जगहों पर दिखती है, लेकिन उज्जैन में ये भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हालात काबू से बाहर हो गए। नमस्कार, मैं हूँ मेघा मित्तल और आपके सामने पेश है बात पते की। ये वीडियो उज्जैन के महाकाल मंदिर का है। यहाँ पर शिव भक्तों की ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस के काबू करने से भी हालात काबू में नहीं हो पाए और वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। शिव पूजा के लिए पहुंचे ये भक्त दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं और लाइन में लगे ही लाइन इतनी बढ़ जाती है कि हालात काबू से बाहर होने लगते हैं और पुलिस को बैरिकेड्स के ऊपर खड़ा होकर उन्हें काबू में करने की कोशिश करनी पड़ी। इस वीडियो में लोग लगातार नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहीं बैरिकेड के ऊपर खड़े पुलिस कर्मचारी हाथ जोड़कर शांति का माहौल बनाए रखने की गुजारिश करते हुए नजर आए। क्यों लगी है उज्जैन में इतनी भारी भीड़? सावन के महीने में शिव की विशेष महत्ता मानी जाती है और ऐसे में शिव भक्त कहीं दूर दूर से कावड़ लाते हैं तो कोई दूर दराज जाकर दर्शन करने के लिए पहुंचता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर शिव भक्तों में खास मान्यता रखता है और इसलिए सावन के सोमवार की पूजा के लिए लगभग 2.5 लाख लोग मंदिर में पहुंचे हैं। भीड़ के दबाव में आने से 2 लोग हुए घायल। जी हाँ, उज्जैन के महाकाल मंदिर में ये भीड़ इस कदर बढ़ती गई कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस के काफी ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी भीड़ काबू में नहीं आ सकी। इसी बीच 2 लोग घायल भी हो गए जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन पहले लगी थी मंदिर में भीषण आग। आपको बता दें कि उज्जैन महाकाल मंदिर में 2 दिन पहले ही भारी आग लग गई थी, जिसके बाद वहां पर पहुंचे भक्तों में अफरा तफरी मची थी और उसके बाद से ही लोगों में सहमा हुआ सा एक व्यवहार देखने को मिल रहा था। लेकिन बावजूद इसके आज सोमवार को काफी संख्या में लोग मंदिर में पहुंचे हैं और मंदिर में इस तरह की स्थिति बन गई है कि वहां पर भीड़ बेकाबू हो रही है। यह आग मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य में लगी थी, जिसके चलते श्रद्धालु सहम भी गए थे। इससे पहले भी महाकाल परिसर में अलग अलग तरह के घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। इससे लगता है कि प्रशासन भक्तों के उत्साह को भांप नहीं पाया है और इसीलिए तैयारियां कम पड़ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे में भक्तों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सावन के इस महीने में कोई अनहोनी ना होने दें और अपने आप को सहनशील तरीके से मंदिर तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल News24 MPCG को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।